हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बाहर का व्यू कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, और हवा बहुत अच्छी चल रही है। बस धूप अच्छी खासी हो रही है। तो मम्मी ने कपड़े धुले थे तो वो बोली छत पे डाल दो, तो मैंने कहा कि आपको बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं सुबह सुबह का। और गार्डन में पापा लोग काम कर रहे हैं वहाँ, तो मैंने चुपके से वीडियो बना लिया, उन लोग को पता भी नहीं चला। तो मैं कपड़े डाल देती हूँ, मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा फटाफट से डाल देते हैं, जिससे कि जल्दी से डाल देंगे तो सूख जाएगा ना, तो फिर उठा ले जाएंगे, क्योंकि ना दोपहर वाली धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो फिर उसमें कपड़े डालना ठीक नहीं है। तो इस वजह से अभी जल्दी जल्दी सुबह सुबह डाल देंगे। नीचे ना जगह बहुत, मतलब जगह है तो, लेकिन आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से नीचे नहीं डालते हैं। तो कपड़े डाल देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने डाल दिए हैं। अभी मैं टंकी की साइड आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने टंकी भरने के लिए पानी चला रखा है, तो उन्होंने बोला कि जब भर जाएगा तो बता देना। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, मैं और पास होके दिखाती हूँ। ये है सहजन, मेरे गार्डन में लगा हुआ है। इसका पेड़ भी दिखाती हूँ, मेरे गार्डन में ही लगा है। ये देखिए मेरा गार्डन, आपको दिखा? तो ये गार्डन में लगा है, बहुत अच्छा है। तो पापा इसको लेके आते हैं तोड़ के, तो हम लोग सूप बनाते हैं, तो पापा इसको पीते हैं। अच्छा है काफ़ी, बहुत फ़ायदेमंद होता है सूप, तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और सहजन तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद है ये गांठ वाँट के लिए, अगर हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो बहुत अच्छा है। और टंकी भी भर जाए फिर मैं नीचे जाऊँगी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, आज मैं काम ही कर रही थी, तो अभी बज रहे हैं 8:30, फिर मैं जा रही हूँ, फटाफट से नहाऊँगी अब। और पापा लोग भी बस गार्डन से अंदर हुए हैं, तब वो लोग भी नहाने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं नीचे, ये भर जाएगा टंकी, मैं तो फिर बंद कर दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बाय बाय। और ना आज मैं कुछ अच्छी चीज़ बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो कुछ अच्छी चीज़ बनाऊंगी, हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए। और तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अभी हम ना रोटी बना रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब देखो तो रोटी बनाती रहती है। एक्चुअली ना रोटी बनाने की ड्यूटी मेरी है, तो रोटी मैं ही बनाती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम, तो मैं ही अकेले मेहनती सीखती हूँ, और कभी कभी मम्मी भी आके मतलब हेल्प कर देती हैं, और सारा खाना मम्मी बनाती हैं, और सब्जी वब्जी काटना होता है तो मैं काट देती हूँ, और जो भी काम होता है वो सब करती हूँ। लेकिन रोटी स्पेशली मैं ही बनाती हूँ, और ना गर्मी बहुत है, गर्मी रोटी बनाते वक्त बहुत गर्मी लगती है, ये तो है। तो रोटी फटाफट बन जाए, पापा खा रहे हैं, भाई अभी नहीं खाएगा, थोड़ी देर बाद खाएगा। तो यहाँ पर सारी रोटी मेरी बन चुकी है, और मैं आज एक अच्छी डिश बनाने वाली हूँ, तो वीडियो आप सब देखिएगा ज़रूर। और तो फ्रेंड्स, रोटी बना लेते हैं वरना जल जाएगी मेरी रोटी। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर का हलवा। मैंने इसको छील के रख लिया है, और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है इसका हलवा। तो बस मैंने इसको छील के रख लिया है, फटाफट से इसको कद्दूकस करेंगे, और फिर मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। तो इसको फटाफट से हम काम कर लेते हैं, अभी बहुत काम है। उसके बाद भी एक चीज़ और बनाऊँगी, उसको भी मैं अभी दिखाऊँगी आपको। तो पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद उसको मैं हाथ लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है, और ये अब उबल रहा है अच्छी तरीके से। और इसकी रेसिपी मैं ना अलग से डाल दूँगी, जिससे कि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। ब्लॉग में समझ में नहीं आती है, तो इधर उधर काम करते रहो, खटर पटर की आवाज़ आती है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं रेसिपी अलग से इसको बना के
अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ना चुकंदर का हलवा मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे गार्डन का चुकंदर है, तो मुझे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो गार्डन में लगा हुआ है, तो पापा निकाल देते हैं तो फिर हम लोग बना लेते हैं, और बहुत अच्छा बन जाता है, गाजर के हलवे से अच्छा बनता है। अभी मैं जा रही हूँ, दूध की जो मलाई होती है ना उसको निकाल कर हम लोग रख लेते हैं, तो उसका मैंने सोचा कि उसका मक्खन निकाल देते हैं, घी हो जाएगा। घी है वैसे थोड़ा सा, लेकिन वो मक्खन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अब उसको यूज़ कर लेना चाहिए, उसका मक्खन बना लेना चाहिए, नहीं तो काफ़ी दिन का हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसको कर लेती हूँ, जब तक ये हमारा हो रहा है तब तक मैं वो काम कर लेती हूँ। तो ना अभी सब लोग सो रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, जिससे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मक्खन यहाँ पे निकाल के रख लिया मैंने, ये कुछ इस तरीके से है। और अभी ना इसके मट्ठे का भी, ये जो हमारे पास मट्ठा है ना, इसका भी उपयोग होता है, तो मैं आपको ना कभी और बताऊँगी। अभी पहले मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी आपको कि इसका क्या उपयोग होता है। और बहुत अच्छी चीज़ बनती है, और घर में अगर इसको भी फेंक, बहुत लोग मक्खन निकाल के इसको फेंक देते हैं, तो इसको फेंकने से अच्छा यूज़ करने बहुत अच्छा चीज़ बनता है, तो मैं बताऊँगी आपको। उसके लिए सब काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है, बटाने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी, पर बताऊँगी ज़रूर कि इसका क्या यूज़ होता है, बल्कि दिखाऊँगी कि इसका क्या यूज़ होता है और क्या बनता है इसका। तो अभी पहले काम कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि काम बहुत है। तो बस इसको अब रखेंगे गर्म होने के लिए, इसका घी निकालेंगे। फ्रेंड्स, अभी ना हलवा बन रहा है, और एक घी मैंने रख दिया है, तो ये फटाफट हो जाए। और चुकंदर का हलवा तो वाकई में काफ़ी टेस्टी बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। और ना किसी भी चीज़ में अगर जैसे हलवा बना रहे हैं, तो गाजर का हो, चुकंदर का हो, या फिर किसी और चीज़ का, अगर उसमें थोड़ी सी इलायची डाल दो ना, तो स्वाद ही उसका अलग आता है। तो उसमें अगर कोई मेवा ना डालो तो भी चलेगा, मैं इसमें कोई मेवा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैंने इलायची डाला है, तो उससे काफ़ी अच्छा स्वाद होता है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़े फोल्ड हो गए हैं, आधे कपड़े भाई के रूम में थे तो वहाँ फोल्ड कर दिए थे, पापा के और भाई के उसी रूम में थे तो वहाँ फोल्ड कर दिए। और हलवा बहुत ही टेस्टी बना था, सब लोगों ने खा लिया है। तो अभी बज गए हैं 5, और बस चाय बनानी है, तो चाय बनाने की वीडियो आज नहीं बनाएंगे। आप लोग परेशान हो तो ये रोज़ रोज़ चाय बनाने की वीडियो में डालती हूँ, तो आज नहीं बनाऊँ। बस ये चादर जो है उसको ड्राॅइंग रूम में बिछाना है, और मशीन पर बिछाना है, एक बेड पर बिछाना है, तो यही काम है। और बहुत थक गए आज, और पापा लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो आज ना काफ़ी थक गए हैं थोड़ा सा। और तो ना किचन में खड़े खड़े काम करना होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है, और कुछ नहीं है। बस मेरा घी भी एकदम रेडी हो गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी किचन में जाऊंगी तो आपको फोटो दिख रही होगी पीछे, वो मेरी मम्मा है, तो वहाँ पे वो फ़ोटो लगी हुई है। और एक ब्लैक एंड वाइट छोटी सी है, उसको बड़ी सी करवानी है, वो मम्मी पापा दोनों की है। तो अभी ना बहुत पहले ही मैंने सोचा था कि इसको बड़ी करवाएंगे, तो अभी देखो कब होता है, करवाऊंगी, पर वही है कि करवाएंगे, जल्दी ही करवाएंगे, बस लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद फिर सारे काम करने हैं। बहुत सारा सोचा है कि ये काम करना है, तो जब भी कभी टाइम मिलेगा, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद, जब भी कभी टाइम मिलेगा तो ही जाएंगे, अभी तो निकलने वाले नहीं है घर से। तो यही सब काम है, और चादर जाके बिछा देते हैं।
सो फ्रेंड्स अभी ड्राइंग रूम में आ गए हैं, चद्दर इस पे बिछा दिया है और इस पे ये मशीन पे बिछाया है। मशीन अभी फोल्ड करके रखा है, अभी शाम को उसको खोलेंगे। कौन है मम्मी? तो मशीन अभी फोल्ड करके रख दिया है, उसको शाम को ही रात को ही खोलेंगे जब पापा थेरेपी लेंगे। तो अभी जब वो खोलेंगे ना तो वो जहाँ तक टेबल है वहाँ तक जाएगी। तो एक दिन मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूँगी तो आप लोग देख लेना। और ये है वो मैट, मैट मैं वैसे दिखाती हूँ। सो मैट आपको दिखाते हैं, ये है वो मैट जिसको मैंने पैक करके रख दिया है। सेरा जिम का है तो जैसे कि मैंने बताया, और आज मैंने सुबह से बिल्कुल भी बाल बाल नहीं झाड़ा है तो मैं एकदम चंपू लग रही हूँ। और ये इसका अच्छा सा ये है, तो इसको अपना इस तरीके से है तो इसको पैक करके रख दो अच्छे से, और बस इसी को रखना है, अब कल रखा जाएगा। तो यही सब काम हो रहा था और मैं अभी थोड़ा किचन में काम वाम करने गई थी, सब्जी बनाने का टाइम हो गया था क्योंकि अभी 7 बजने वाले हैं तो मम्मी देर रात कर रही थी, तो मैंने फटाफट आटा वाटा गूंद लिया था जिससे कि सारा काम फटाफट ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको घी दिखाती हूँ, मैंने बोला था ना कि मैं दिखाऊंगी, मैं लेके आती हूँ उसको, यहीं पे लेके आती हूँ एक्चुअली ना, मैं उसको मंदिर में रख के आई हूँ तो मैं उसको लेके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स हम इस वाले रूम में आ गए हैं क्योंकि उसमें भाई बहुत तेज चिल्ला रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, तो इसलिए मैं इस वाले रूम में आ गई, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी भी चिल्ला ही रहा है। तो ये है जो घी निकला हुआ है, अच्छा है ना, अपने घर का अपने घर में ही घी निकाल लो जो ज़्यादा बेटर होगा, और बाहर से ले आओ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है, तो सबसे अच्छा है कि अपने हाथ से निकालो। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अधिकतर महिलाएं ऐसा करती हैं, और करती हैं ये सच है कि वो लोग अपने घर में ही घी निकालती हैं। और ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं ना इसलिए, क्योंकि मैं उस रूम में गई थी वहाँ बैठी थी तो ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे तो मैं वहाँ से चली गई, इसलिए और चिल्ला रहे। और ना अभी पूरे घर में धुआं किया गया है तो इस वजह से खांसी टाइप की आ रही है। तो अच्छा है ना ये आइडिया, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं तो ये आइडिया वाइडिया कुछ नहीं है, तो सब लोगों को पता ही है। और बहुत अच्छा है कि अपने घर में ही निकाल लो, कभी ज़रूरत पड़ती है तो काम आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड। आज मैंने बहुत कुछ बना दिया जो कि मैंने आपको दिखाया भी, और चुकंदर वाली रेसिपी मैं अभी प्रिया स्टाइल चैनल पर डाल दूंगी, अपने चैनल पर ही डाल दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।